हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एस एस क्लासेस जहाँ आप सीखेंगे सहजता के साथ आई एम योर फ्रेंड इशिता एंड आई हैव क्लियर्ड एन टी एन एट एग्जाम्स और यू कैन से एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सो माई टुडेज वीडियो ऑन टॉपिक इकनॉमिक्स फर्स्टली वी स्टडी द माइक्रो इकनॉमिक्स सो लेट गेट स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक सो टूडेज़ टॉपिक इज़ काइंडस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम जैसे कि आपने इसके प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि हमने सेंट्रल प्रॉब्लम की मीनिंग और उसके कॉजेज या क्यों ऐसा होता है वो सारी चीज़ें पढ़ी थी इसमें हमने टाइप्स टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ठीक है और जैसा कि हमने बताया था ये क्वेश्चन थ्री मार्क्स और वन मार्क्स के लिए आता है वन मार्क्स कैसे कि हो सकता produce, है व्हाट टू प्रोड्यूस अब डायरेक्ट आ जाए और आपको उसको लिखना पड़ेगा तो वो वन मार्क्स में आएगा नहीं तो डायरेक्ट काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम आएगा तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे ठीक है तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे है वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ठीक अच्छा आप ये मत सोचिए कि इकॉनमी की बात कर रहे हैं वैसे चीज़ तो है इकॉनमी की लेकिन हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि ये सोचिए कि एक फैक्ट्री है आप एक प्रोड्यूसर हैं या आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी एक फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना है ठीक तो आपको क्या प्रोडक्शन करना है आप मार्केट में पहली बार आए हैं तो आपने पहले से कुछ डिसाइड करके आए है नहीं हैं तो आपको डिसाइड करना है कि वॉट टू प्रोड्यूस क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है ठीक फिर उसके बाद आपने सपोज चॉइस कर लिया कि आपको पेन का ही प्रोडक्शन करना है तो अब पेन के प्रोडक्शन के बाद आप लोग ये सोचेंगे हाउ टू प्रोड्यूस इस पेन का प्रोडक्शन किया तो जाएगा लेकिन कैसे किया जाएगा तो ये सारी चीज़ हाउ टू प्रोड्यूस ये भी आपकी प्रॉब्लम ही है ठीक नेक्स्ट क्या हो जाएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस अब आप लोग पेन की ही बात कर रहे हैं तो पेन में आपको ये भी देखना है कि दो सोसाइटी मतलब आपने किस सोसाइटी को आप प्रेफ़र करना चाहते हैं अपना पेन जैसे कि अगर आप हायर इनकम ग्रुप को अगर प्रेफ़र करना चाहते हो तो आप हो सकता है इसके जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको हाई क्वालिटी का यूज़ करें या इंक इसमें हाई क्वालिटी की यूज़ करें और इसकी प्राइजेस महंगी हो जाएँ और या तो आप लोअर इनकम ग्रुप को इंट्रोड्यूस uh, कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन करें तो होप आपको क्लियर हुआ होगा एक ही चीज़ से आप तीनों चीज़ें मतलब तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे डिसाइड करते हैं तो हम एक एक करके पॉइंट आएगा फिर उस हिसाब से हम एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको समझाएंगे सो so, अब नेक्स्ट इसमें देखिए फर्स्ट है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस में ये कहा गया है कि इसमें देखिए लिखा क्या है एन इकोनमी हैज़ टू मेक चॉइस ऑफ द व्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी एज अ होल ठीक है मतलब एक इकॉनमी के पास बहुत से ऑप्शन हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है ठीक है लेकिन उसको ये है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या उसकी वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों की वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए उनको उन सारी चीज़ों में से चूज़ करना पड़ता है कोई एक या दो प्रोडक्ट को जिसके थ्रू वो इकॉनमी में एज अ प्रोडक्शन करेगा ठीक है तो जैसे कि इसका आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंडिया है इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है इंडिया एज अ इकोनमी की बात कर रहे हैं तो या तो वो अपना मतलब उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और उसको किस चीज़ में वो ज़्यादा खर्च कर सकती है पहली चीज़ तो उसके पास ऑप्शन हो सकता है डिफेंस गुड ठीक है डिफेंस गुड या फिर वॉर गुड्स में वो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती है नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट आप लोग ये कह सकते हैं लग्जीरियस गुड्स हो सकते हैं लग्जरी गुड्स में भी वो इन्वेस्ट uh, कर सकती हैं नेक्स्ट उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो कंज्यूमर गुड्स पर ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करे या और कह सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे या कोई कंज्यूमर के गुड्स कंज्यूमर गुड्स मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं ब्रेड uh, हो गया बिस्किट हो गया टूथब्रश हो गया ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करे तो उसके पास ये सारे ऑप्शन हैं वो किस चीज़ में ज़्यादा प्रोडक्शन या किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती है एज अ इंडिया एज अ इकॉनमी लेकिन अब उसके पास पैसे कम हैं तो अगर वो ये देखती है कि हमारे यहाँ की जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं वो उतनी डेवलप नहीं है तो वो हो सकता है डिफेंस डिफेंस गुड्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है ठीक है तो ये उस कंट्री की इकोनमी के अकॉर्डिंग उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसके व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब उसको क्या प्रोड्यूस करना है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है और एक बात याद रखिएगा कि आप लोग को एग्ज़ाम्स वगैरह में एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा क्योंकि अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल लिखते हैं तो आपके आंसर में एक इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं अब देखिए हाउ टू प्रोड्यूस में लिखा है अ टेक्निक ऑफ़ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइज़ कॉस्ट शुड बी यूज इसका ये मतलब याद रखिएगा हाउ टू प्रोड्यूस में यहाँ पर टेक्निक की बात की जा रही है टेक्निक वर्ड याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो फैक्ट्री है या हमारी जो कंट्री है उसमें कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है ठीक है अब उसके बाद ये लिखा है हम लोग जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें हमारा मेन एम ये रहना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो आउटपुट का मतलब जैसे कि अगर हमने पेन की फैक्ट्री ओपन की है तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेन आउटपुट के रूप में बाहर आए ठीक है और मिनिमम कॉस्ट मतलब उसमें लागत या खर्चे बहुत कम हो, ठीक तो ये सब हर एक फैक्ट्री या हर एक कंपनी का यही एम रहता है कि उसके कॉस्ट कम हो और मैक्सिमम आउटपुट हो तो हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब उसको ऐसी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अपने आप उसका आउटपुट बढ़ जाए और मिनिमम हो जाए कॉस्ट कैसे जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल दो दो कंट्रीज़ का हम ले रहे हैं पहली कंट्री हो जाएगी आपकी इंडिया नेक्स्ट आपकी कंट्री हो जाएगी यूएसए आप सभी को पता होगा इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अच्छा वर्ड सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ये याद रखिएगा दो टेक्निक्स होती हैं यहाँ पर टेक्निक वर्ड आया है तो आपको हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक्स के एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहला हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नेक्स्ट हो जाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक ठीक है तो ये याद रखिएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहाँ पास आप पेन का प्रोडक्शन मशीनरीज के द्वारा किया जाता है ठीक है जहाँ पास लेबर की कमी होती है वहाँ पास हम लोग कैपिटल प्रोडक्शन करते हैं जहाँ पर सिर्फ लेबर एक चाहिए होगा जो कि आपकी मशीन को ऑन करेगा और पूरा काम मशीनरी करती है ठीक वहीं अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें यहाँ पास पूरी चीज़ जो है पूरा पेन जो है प्रोडक्शन कौन करता है लेबर करते हैं यहाँ मशीनरीज बहुत लिमिटेड यूज़ होती हैं तो इंडिया क्या है इंडिया में लेबर्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी एपेंडेंट में है तो यहां पर इंडिया जो है वो अपनाएगी दोनों में से लेबर टेक्निक क्योंकि अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करती है तो उसकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी ठीक क्योंकि वो कैपिटल अफोर्ड ही नहीं कर सकती ज्यादा नहीं कर सकती यूएसए के पास लेबर है नहीं तो वो अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेगी तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो जैसी आपकी इकॉनमी है उसके बेसिस पे आपको या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हैं या लेबर होप क्लियर होगा आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर नोट कर लीजिएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब आपको प्रोडक्ट कर प्रोड्यूस करना है किसके लिए प्रोडक्शन करना है ठीक है तो आप लोग ये देखिए इसमें लिखा है इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम मतलब इनकम बेसिस पे हमारी जो कंट्री है वो इनइक्वैलिटी मतलब यहाँ असमानता में डिवाइडेड है जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लोअर इनकम ग्रुप भी है हायर इनकम ग्रुप भी है ठीक है तो हमें ये डिसाइड करना है हमारा टारगेट क्या है हमारे कंज्यूमर कौन है हम किस चीज़ को मतलब कौन से कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर मतलब उनको डिनोट करना चाहते हैं जैसे कि अगर हमने आ, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन किया है हम चाहते हैं कि हम लोअर इनकम ग्रुप को प्रोड्यूस करवाएं तो हमें ऐसा ही प्रोडक्शन करना है उसके प्राइजेस कम करने हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सकें जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल दे देते हैं एक एग्ज़ाम्पल है जैसे नैनो नैनो आई ही मार्केट में इसीलिए थी ताकि वो लोअर इनकम ग्रुप के लिए ही आई थी ठीक है तो ये हो गया जैसे कि आपने आपने पहले से टारगेट कर लिया है फॉर होम टू प्रोड्यूस कि हमें लोअर इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्शन करना है तो आपने प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसके हिसाब से ही आपने उसमें प्रोडक्ट यूज़ किया जैसे इसकी क्वालिटी क्वालिटी वाइज उसके प्राइजेस भी लो रखे तो ये चीज आपको पहले अपना इक्वलिटी इनक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम मतलब इनकम के बेसिस पे आपको ये देखना है किसको आप टारगेट करना चाहते हैं दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आईफोन आईफोन में ये हो जाएगा कि आईफोन में जैसे आप लोग ने देखा होगा आईफोन एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक डिनोट करता है जो, जो कि एक हायर इनकम ग्रुप को ज़्यादा डिनोट करता है ठीक तो आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर जैसे हमने आईफोन परचेज़ कर लिया तो हमारी इनकम मतलब हमारी इनकम उससे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है फैक्ट्री या जो एक प्रोड्यूसर है वो ये सोच के चल रहा है कि उसको किस इनकम ग्रुप को टारगेट करना है उस हिसाब से ही उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो ये चीज़ हो गई आपका व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस ठीक है अब इसमें हम लोग एक चीज़ और बताना है देखिएगा ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है ये प्राइस थ्योरी के अंडर आता है यहाँ पर कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो वो कौन सी थ्योरी है प्राइस थ्योरी ठीक और हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस किया जाए तो ये आपका आ जाता है प्रोडक्शन थ्योरी या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ठीक है नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए तो यहाँ देखिए वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हुआ है इसलिए ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है तो मतलब आप लोग जैसे इसका आंसर लिखते हैं तो इसके आंसर में एक पॉइंट और जुड़ सकता है ये पॉइंट हो सकता है द प्रॉब्लम ऑफ जैसे इसका है द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड टू प्रोड्यूस इज स्टडीड अंडर प्राइज थ्योरी इसमें आप लिख सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ़ हाउ टू प्रोड्यूस इज स्टडीड अंडर प्रोडक्शन थ्योरी इसमें लिख सकते हैं आप लोग द प्रॉब्लम ऑफ़ फॉर होम टू प्रोड्यूस स्टडीड अंडर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी सो होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग उसमें अपने कमेंट ज़रूर लीव कीजिए और अगर आपको इसके नोट्स की नीड है तो प्लीज़ आप हमें एज अ कमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं तो हम लोग आपको उसको एज अ डिस्क्रिप्शन में पी फाइल आपको प्रोवाइड करा सकते हैं अगर ये वीडियो आपके लिए रियली really यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग